जो लोग बैठ के ये सोच रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इस फील्डिंग, कैचिंग और इस स्पिन अटैक के साथ तो वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। नंबर टू, आपने कहा ना कंसिस्टेंट है पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की एक दिक्कत है, जिस दिन वो अच्छा खेलते हैं एज इन जिस दिन सामने वाला काउंटर अटैक करता है। ये मैंने इंडिया के साथ भी देखा ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दो मैच, वहां पे उन्होंने 68 पे 4 किया इंडिया ने। द मोमेंट हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने काउंटर अटैक किया, आई थिंक बाबर भी थोड़ा सा गुआची गा हो जाते हैं, प्लस उनके बीच में उनके पास स्पिनर नहीं है विकेट लेने वाले। फिर आप उठाए इंडिया का सेकंड लीग मैच जिसमें इंडिया ने जो बना दिए वो राहुल और रोहित विराट, उसमें आप देखिए अगेन एक स्टेज पे वो मैच में आ गए थे जब दो विकेटें गिरी, बट द मोमेंट केएल राहुल ने और विराट ने अगले दिन आके आपको उड़ाना शुरू किया, दे हैड नो आंसर्स। तो ये पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट है कि वो वेलकम टू माय YouTube चैनल। विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन क्या है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, उसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। चलो चलते हैं वीडियो में। वेरी डिसअपॉइंटेड अपनी फील्डिंग से, कैच जो छोड़े उन्होंने यार, कैच दीपक कितने कैच छोड़े रविंद्र के 4 से 5 के इस्तेकार में, जो छाती पे लिए बॉल लगी थी चोट तो नहीं लगी। अरे बॉल बेसिकली वो होते हैं ना जब दूर आती है बाउंड्री पे खड़े, पता नहीं डीप मिड विकेट पर थे वो, पता नहीं कहाँ थे या स्वीपर कवर, वो मारी उन्होंने शॉट, अब वो कैच होता है, वो कूदे आगे बॉल वहां टिप पर खा गई और यहाँ लगी सीधी ठोंक करके, उन्होंने उस वक्त दिखाया नहीं। सचिन रविंद्र नील होगा कैच छूटा 97 में, वो उसके बाद 43.4 ओवर्स, मतलब इस मैच में 38 बॉल है, 38 बॉल्स फॉर लेफ्ट, 346 उन्होंने चेज कर दिए और 38 बॉल्स और होते तो 400 भी चेज हो जाते। 97 रविंद्र के हैं, 54 और 59 ये मिसर अली आपके वर्ल्ड कप मैच खेले और गेंद पर उन्हें विकेट भी मिल गया था और उसके बावजूद भी। और बाकी अगर आप स्टैट्स देखें बॉलिंग उनकी, देखो ये तो हकीकत है, मैंने ट्वीट भी किया, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, आप देखना फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप वो टीमें अच्छा करेंगी। पाकिस्तान जो है वो यही देख रहा होगा कि हम फ्लड लाइट्स में जब ऑन हो जाती है रात में हम कैसा बॉल डालते हैं, हमारे स्पिनर्स कैसा बॉल डालते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है जब ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर थी हमने देखा कि यार बॉल ना ग्रिप कर रहा था शाम में सरप्राइजिंगली, आज भी कर रहा था, बट पाकिस्तान के साथ बात वही है, आपको कंडीशंस तो मिल जाएंगी, आपको यूटिलाइज करने वाले वो गेंदबाज भी होने चाहिए। क्या पाकिस्तान के पास वो गेंदबाज हैं जो बीच के ओवर्स में आपको विकेटें दिला दें? अनफॉर्चुनेटली देखो किसी दिन होगा अच्छा दिन उनका भी आएगा। पाकिस्तान के साथ मुझे जो एक चीज दिक्कत लगती है ना, पाकिस्तान एक कांस्टेंट है, हाँ। जैसे बाकी की टीम एक लेवल का ही किसी दिन ऊपर जाएंगे, हाँ। किसी दिन नीचे भी आएंगे, पाकिस्तान का बहुत रेयर हुआ करता था, हाँ। पाकिस्तान जैसे हम बोलते हैं ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, आज पता नहीं कौन सा पाकिस्तान आएगा, पहले होता था कि ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे तो वो लेवल पकड़ लेंगे, जिम्बाब्वे से खेलेंगे, बट पाकिस्तान का भी है टीम कोई भी आ जाए हमारा लेवल कांस्टेंट है, अभी नीचे जा सकते हैं बट उस लेवल से बेंचमार्क को ऊपर नहीं कर रहे, कहते हैं अच्छा करने की चांसेस आपके 10 में 1 है बट कॉन्सेंट रहने का आपके 10 में 9 रहेगा। मैं सुबह से एक बात कह रहा हूँ कि आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं वार्म अप गेम्स से, पाकिस्तान ने आज अपने आप को टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट आपने बैटिंग प्रैक्टिस की है, रिजवान ने 100 बनाया, बाबर ने 80 बैटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन उनका वीकर सूट क्या है? नहीं नहीं, फिर बैटिंग ही है उनका अभी भी, हाँ मेरे ख्याल से बैटिंग ही है, पाकिस्तान की बैटिंग ही उनकी वीकनेस है, वो वक्फे पे 350 रन और आप कहते हो इट्स अ गुड वर्कआउट, इट्स अ गुड वार्म अप, बट आपकी बॉलिंग क्योंकि आपकी ताकत है भाई, आपका कौन नहीं खेला, शादाब नसीम शाह को चोट लगी है वो नहीं है ना, शादाब ने बॉल क्यों नहीं डाला, बॉल नहीं क्यों नहीं डाला यार, शादाब को भी तो क्यों नहीं डाला, उसामा मीर को शादाब भी डाले, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ शादाब कौन से शेन वॉन हो गए, नहीं शादाब को तो बल्कि विकेट नहीं मिलती है। और मैं वही मेरी ऑब्जर्वेशन एक तो ये कि पाकिस्तान इस फील्डिंग और इस स्पिन अटैक के साथ तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, जो लोग बैठ के ये सोच रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इस फील्डिंग कैचिंग और इस स्पिन अटैक के साथ तो वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। नंबर टू, आपने कहा ना कंसिस्टेंट है पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान की एक दिक्कत है, जिस दिन वो अच्छा खेलते हैं एज इन जिस दिन सामने वाला काउंटर अटैक करता है,
ये मैंने इंडिया के साथ भी देखा ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दो मैच, वहां पे उन्होंने 68 पे फोर किया इंडिया ने, द मोमेंट हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने काउंटर अटैक किया, आई थिंक बाबर भी थोड़ा सा गुआची गा हो जाते हैं, प्लस उनके बीच में उनके पास स्पिनर नहीं है विकेट लेने वाले। फिर आप उठाए इंडिया का सेकंड लीग मैच जिसमें इंडिया ने जो बना दिए वो राहुल और रोहित और विराट, उसमें आप देखिए अगेन एक स्टेज पे वो मैच में आ गए थे जब दो विकेट गिरी, बट द मोमेंट केएल राहुल ने और विराट ने अगले दिन आके आपको उड़ाना शुरू किया, दे हैड नो आंसर्स। तो ये पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट है कि वो कमबैक फील्ड में नहीं कर पाते। आपको खेलना चाहिए था क्यों? आप देखो, आपको ये भी कह सकते हो कि यार पाकिस्तान को ना आपने लोकलाइज कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा हैदराबाद में, ठीक है, बट पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये है, आप दो वार्म अप मैचेस इसी वेन्यू पे खेलोगे, आप दो बैक टू बैक मैचेस खेलोगे इसी वेन्यू पे, आपको तो ये होना चाहिए कंडीशंस जब तक बाय द टाइम आप श्रीलंका के साथ मैच यहाँ पे खेलना पहला। तो गाइस आपने देखा कि विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन क्या था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो बहुत ही कमज़ोर है, और जो एशिया कप में भी आपने देखा कि उनकी बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर है जिसकी वजह से वो एशिया कप भी हार गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम को, उनको ये सॉर्ट आउट करनी होगी जितना जल्दी हो सके उतना। और जो ये पाकिस्तान टीम है ये एक मिनट में अप होती है और एक मिनट में डाउन होती है, इनका पता ही नहीं चलता है। एक मैच में ये डाउन हो जाते हैं उनका मारल, और दूसरे मैच में ये अप हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं एक और नया वीडियो बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आए।